नमस्कार, स्वादिष्ट फूड्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाना चॉकलेट केक बनाएंगे। यह बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में छलनी लेंगे, उसमें एक कटोरी मैदा और आधा कटोरी कोको पाउडर डालेंगे। इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चुटकी नमक, इन सब को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि अच्छी तरह से यह मिल जाता है। अब हम चार केले लेंगे, इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें आधा कटोरी चीनी डालेंगे और आधा कटोरी ऑयल डालेंगे। इन सब को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसको अब हम इसमें मिला देंगे। इसमें हम एक चम्मच वेनिला देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध दे करके मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से फेंटना है। हमारा बैटर तैयार हो गया। हमने बैटर तैयार करने में आधा गिलास दूध यूज किया है। अब हम पैन लेंगे और पैन को अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर देंगे। इसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे। अब बटर पेपर के ऊपर भी हम ग्रीस कर देंगे। बटर पेपर लगाने से केक अच्छी तरह से निकल जाता है। अब हम अपना बैटर को इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। हमने कुकर को पहले ही प्री हीट होने के लिए बैठा दिया था। अब हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे और उसी के ऊपर हम अपना बैटर को रखेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे इसका रबड़ और सीटी निकाल देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर 35 मिनट तक बेक होने देंगे। देखिए, मेरा केक अब तैयार हो गया। ठंडा होने पर इसे मोल्ड से निकाल देंगे। देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है। हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे भी हटा देंगे। ये देखिए, बहुत ही स्पंजी बना है। ये देखिए, ये मेरा केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।